नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, आभासी कक्षाओं में आज प्रशासन एकेडमी के स्टूडियो से बैठकर आप सभी छात्र छात्राओं, साथ में टेक्नीशियन स्टाफ, शिक्षक गण का स्वागत करता हूं। साथियों और बच्चों, इसके पहले हम आपसे कई बार मिल चुके हैं, हमारी मुलाकातें धीरे धीरे सनई ही सनई ग्रेजुअली बढ़ती जा रही हैं। अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी होती है आप सबसे मिल करके, भोपाल में बैठ करके हम अपने बच्चों को अपनी आइडियाज़, अपने विचार, अपनी जानकारी दूर दराज बैठे हुए सीधी शहडोल, पन्ना, ग्वालियर के बच्चों को हम अपने विचार पहुंचा पा रहे हैं। इस बात की खुशी है और इसी खुशी को आगे बढ़ाएं। आज हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के उन सभी बच्चों के लिए जो हमसे पहले मिल चुके हैं, दोज स्टूडेंट्स हु हैज़ बीन अटेंडेड माई क्लासेस प्रीवियसली, उनको बातें तुरंत समझ में आएंगी। जिनको नहीं समझ में आएंगी उनको हम समझाने के लिए सबसे पहले कहेंगे, आज हमारा जो आइडिया शेयरिंग का टॉपिक है हम बोर्ड पे ले आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस या अवकल समीकरण। कॉपी और पेन, जगह जगह बच्चों की कॉपी पेन दिख रही है, कुछ बच्चों की कॉपी पेन अभी नहीं दिख रही है, आएंगे, हरकत में आएंगे तो उनकी भी कॉपी पेन दिखने लगेगी। सागर में बच्चे बैठे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बैठे हैं, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक गणित, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल से हूँ, और इस समय आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बात हमारी प्रशासन एकेडमी के स्टूडियो से हो रही है। आइए बच्चों, हम आज क्या आपसे आइडिया शेयर करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश में मैटर लिखा होगा, हिंदी में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। आइए आज की कक्षा का, आज के लेक्चर का, आज के बातचीत का डिस्कशन हमारा परिचय दें, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सन 1784 से 1866 1784 टू 1866 जर्मनी देश है। जर्मन के गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर, जिसको गणित आती है बच्चों उसको एस्ट्रोनॉमी अपने आप आने लग जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जब कभी भी गणितज्ञ की बात होगी, मैथमेटिशियन की बात होगी तो साथ में ले लिया जाता है एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी लोग होते हैं गणित जानने वाले, अपनी गणनाओं से, अपने कैलकुलेशन से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिसने कैलकुलेशन किया उनका नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू बेसल। डब्ल्यू डब्ल्यू बेसल ने क्या काम किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डब्ल्यू डब्ल्यू बेसल इंट्रोड्यूस्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों उन्होंने क्रिएट किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको पहले बता दूं। बच्चों, बेसिकली हमारे इस यूनिवर्स में दो तरह की मटेरियल पाए जाते हैं, हिंदी में बोलें तो जीव और अजीव, इंग्लिश में बोलें तो लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग, और थोड़ा सा बोलें वर्तमान हिंदी में तो उसको कहते हैं सजीव और निर्जीव। अगर सजीव है तो सजीव की पहली पहचान होती है उसमें गति होगी, देयर इज मोशन। इफ देयर इज मोशन देन इट मे हैपन दैट दिस इज लिविंग बींग। सजीव की एक पहचान है मोशन, और उस मोशन के कैलकुलेशन को करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसल ने भी वही काम किया। मोशन कहाँ थी, किसके सामने क्या प्रॉब्लम थी, देखें। डी बर्नौली मैथमेटिशियन थे। ऑक्सिलेशन ऑफ हैंगिंग चेन, एक चेन लटका दिया इन्होंने और वो घूमने लगी चेन, ऐसे ऐसे हिलने लगे।
इसको कहेंगे ऑक्सीलेशंस, उसका मोशन किस नियम से उसमें मोशन हो रहा है ये पता करना था उनको। एक सर्कुलर मेम्ब्रेन वृत्ताकार एक झिल्ली लटका दी, उसका मोशन आइलर ने, आइलर ने आपने पढ़ा होगा, आइलर वाद ग्रेट 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 मैथमेटिशियन, जिन्होंने नक्षत्रों के बारे में, हमारे ग्रह नक्षत्रों की गति के बारे में, प्लेनेटरी मोशन के बारे में काफी कुछ सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को हम गणित से कैसे पढ़ें, इसके लिए बेसल ने एक इक्वेशन दिया। तीसरा भी था डिफ्यूजन थ्योरी, डिफ्यूजन समझते हैं जब किसी चीज का प्रसारण या प्रसरण होता है, पोटेंशियल थ्योरी, फ्लूड मोशन, इलास्टिसिटी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, जो हम आपके पास अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, यह एक प्रोपोगेशन ऑफ वेव का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश W.W. बेसल ने आज से कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितने साल पहले की बात आएगी, लगभग 150 साल पहले उन्होंने कोशिश की थी, और उस कोशिश को क्या रूप दिया हम आगे देखते हैं आपसे। ये हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल का अवकल समीकरण। उस अवकल समीकरण को जब आप और हम दोनों मिलकर हल करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो सोल्यूशन आएगा उसको बेसल फंक्शन या बेसल फलन कहा जाएगा। तो बेसल इक्वेशन और बेसल फलन हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये ढेर सारी गतियों के समीकरणों को, गतियों के अध्ययन को समीकरण के माध्यम से करता है। अगर आप रेडी हो गए हो तो मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। बोर्ड साफ करें पहले, बोर्ड साफ हो गया है, देखिए थोड़ा और आगे बढ़ें। लीनियर डिफरेंस, अब जो उन्होंने बेसल ने अवकल समीकरण दिया था उसको रैखिक या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा गया, और ये इक्वेशन सामने आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले की क्लास में कुछ इसी तरह के इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, लिखे थे और उनको सॉल्व किए थे। मुरैना में बच्चे आ रहे हैं, बैठे नोट करें। चलिए इस इक्वेशन को यहां पे n पे एक कंडीशन लगी है, x आपका वेरिएबल है, n पे कंडीशन लगा दी गई है नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, कंडीशन बहुत ज्यादा लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कंडीशन अगर हम रिसर्च में काम करें तो कंडीशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि n निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। चलिए इस इक्वेशन का नाम है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि हम इक्वेशन वन में देख रहे हैं कि n इंट्रोड्यूस किया है, x भी है, y है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दो के अलावा एक तीसरा वेरिएबल या तीसरा सिंबल इंट्रोड्यूस किया है एन स्क्वायर। इस एन को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, ये बेसल का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन के कारण उसका ऑर्डर कहा गया। इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन को। क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन का क्या नाम होगा, यस बच्चों उसको कहेंगे बेसल फंक्शन। हमारा आज के टॉपिक का मेन डिस्कशन पॉइंट दो था मेरे हिसाब से, अगर आप समझें, पहला बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा बेसल फंक्शन। इज इट क्लियर, ओके सर, आगे बढ़ें। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में लिख गया, ढेर सारे लोग अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, ढेर सारे लोग नहीं लिख पा रहे हैं, लिखें। इंग्लिश में प्रॉब्लम जा रही बच्चों, हिंदी में लिखें, बेसल समीकरण तथा बेसल फलन। थोड़ा बोर्ड साफ करके आगे बढ़ें।
अब हमें करना क्या है? सब लोग तैयार होंगे, जानते होंगे, वी हैव दैट द इक्वेशन, इक्वेशन ये आपके पास है, पहले जो लिखा तो वही इक्वेशन हम फिर से लाए हैं। यह इक्वेशन है, यह एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या करेंगे सोचें। सब लोग समझ गए होंगे कि सर जो इक्वेशन होता है पहले उसका नाम पता होना चाहिए, उसके बाद उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, इसका नाम हो गया, इसको सॉल्व करिए, इसका सलूशन निकालिए। कैसे सॉल्व करेंगे? क्लास लेक्चर 1, 2 और 3 तीन लेक्चर समीकरणों के हल करने पर हो चुके हैं। कुछ बच्चे पहले लेक्चर में आए होंगे, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं सर, इसीलिए हम लोगों को आइडिया नहीं है, आइडिया ले आते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। गिवेन इक्वेशन इज, सबसे पहले लिखने की आदत डालें, लिखें यह समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू जीरो। इसको हल करने का तरीका बता दिया, बोर्ड पे आ गया। लेट, इसको कहते हैं बच्चों सीरीज सॉल्यूशन मेथड, श्रेणी हल या घात श्रेणी हल से समीकरण को हल करना, घात श्रेणी मेथड, पावर सीरीज मेथड, जो हमने आपको पहले बता दिया था। ये समीकरण नंबर 2 अगर आप लोग अपनी कॉपी में देखेंगे तो तीसरे क्लास में और दूसरी क्लास में, इसके पहले दोनों क्लास में इक्वेशन 1 को दूसरे तरीके से रहा होगा, लेकिन इक्वेशन 2 इसी तरीके का लिखा रहेगा। जो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 आपको रट जाना चाहिए। रट गया सर, थोड़ा आगे बढ़ें। दिए गए समीकरण का हल है, मान लेते हैं, ये माना, सपोज दैट दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1, ठीक है, मान लिया तो कहानी आगे बढ़ेगी। मानने के बाद यह समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट या सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन 1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। समीकरण 2 को निश्चित रूप से समीकरण 1 को संतुष्ट करना चाहिए अगर यह समीकरण का हल है तो। बोर्ड साफ करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। y दिया गया है, डिफरेंशिएट करिए बच्चों। समीकरण 2 में y दिया गया है, समीकरण 1 में dy dx है, तो हम समीकरण 2 को डिफरेंशिएट करें। थोड़ा आप अपनी पेन चलाएं, डिफरेंशिएशन में क्या आएगा मैं बताता हूं। ये आया x के जो पावर है रो प्लस r, x की जो घात है रो प्लस r, उस पे नियम लगेगा, रो प्लस r सामने आ जाएगा, x की घात रो प्लस आर माइनस वन, जो डिफरेंशिएशन का नियम होता है, समीकरण नंबर 3 मिला। जो पहली क्लास में बैठे थे, इसके पहले बैठ चुके हैं, उनके दिमाग में क्या आइडिया होगा, सर अब द्विवेदी सर क्या करने वाले हैं, हम आपके आइडियाज को पकड़ने वाले हैं। पकड़ लिया। सागर के बच्चे ने कुछ सोचा कि सर अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, आप सोचोगे हम यहां से बैठ करके पकड़ लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। समीकरण 3 सामने दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो देखें, अपनी कॉपी में लिखें, इसी समीकरण 3 को डिफरेंशिएट करें। ए आर जैसे रहेगा, रो प्लस आर कुछ नहीं होगा, एक्स पावर रो प्लस आर माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का नियम लगेगा, रो प्लस आर माइनस वन सामने आएगा, रो प्लस आर माइनस वन एक और कम होगा, 2 आ जाएगा। ये हमने बोर्ड पे लिख दिया। अब थोड़ा हम स्पीड में लिख देते हैं, एक साथ कोशिश करेंगे कि आगे धीरे धीरे लिखेंगे। a पावर r, a r कोफिशियंट, रो प्लस r कांस्टेंट, x पावर रो प्लस r माइनस वन का डिफरेंशिएशन किया, रो प्लस r माइनस वन, x पावर रो प्लस r माइनस 2 हुआ समीकरण नंबर 4। अब आगे स्पीड पकड़ेंगे बच्चे, इन 2, 3 और 4 से y, y डैश, y डबल डैश, y dy dx
डी टू आई डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण एक में रख दीजिए, आप भी रखिए मैं भी रखता हूं, क्या आएगा? मेरा पहला ये आया एक्स स्क्वायर के बाद समीकरण नंबर चार से डी टू आई डी एक्स स्क्वायर मैंने रखा। फिर आप आगे देखेंगे एक्स के साथ समीकरण नंबर तीन से डी वाई डी एक्स रखा मैंने, एक्स मल्टीप्लाई है, समीकरण तीन मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, रख दिया। फिर और आगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के साथ समीकरण दो से वाई का मान रख दिया, ए आर एक्स पावर रो प्लस आर। सीधे दो तीन चार से मान सीधे समीकरण एक में रख दीजिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आंख आपकी काम करती रहे, पेन चलती रहेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ें, जो लिख चुके हैं देखिए हम वही रख रहे हैं। अब x पावर रो प्लस r जहां जहां है उनके कोफिशियंट को हमने इकट्ठा किया। ये थोड़ा बच्चों थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता, आपसे जब करोगे तो बन जाएगा। x पावर रो प्लस r के गुणांकों को एक जगह किया और x पावर रो प्लस r प्लस 2 के गुणांकों को एक जगह कर दिया। ये आपका वही समीकरण साल्व होके आगे बढ़ा। यहीं पे थोड़ा सा मेहनत का काम है, लिटिल बिट, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा कंसंट्रेशन पड़ेगा कि x पावर रो प्लस r और x पावर रो प्लस r प्लस 2 ये दो मिल रहे हैं, इनके गुणांकों को हम कैसे अलग अलग करके अलग अलग रखते हैं। अभी मिक्स थे, अब अलग अलग कर दिया गया। आगे आप समझदार हैं, क्या मिलेगा बच्चों? ये देखिए, जो ऊपर x पावर रो प्लस r था उसके अंदर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा गया वहां से कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी किया, रो प्लस r कॉमन लेंगे तो रो प्लस r माइनस वन प्लस वन आएगा, वन माइनस वन कैंसिल होगा। दुनिया भर की कहानी बढ़ करके आप कॉमन लेना सीखें तो रो प्लस r का होल स्क्वायर हो गया वो। अब माइनस एन स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है और रहने दें x पावर रो प्लस r, और आगे कुछ करना नहीं है, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। तो देखिए, जो पहली लाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिख रहा है, अगर आप पेशेंसफुली धैर्य पूर्वक, जैसा कि पन्ना के बच्चे कर रहे हैं मुझे दिख रहा है, टीकमगढ़ के भी बच्चे दिख रहे हैं लिखते हुए, हरदा के बच्चे, टिमरनी हरदा शायद, टिमरनी या कौन सा, टिमरनी हरदा के बच्चे दिख रहे हैं लिखते हुए, तो जब आप लिखेंगे तो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। हमने r को जीरो रखा, क्यों रखा सर? अरे भाई हमें काम करना है तो कुछ ना कुछ तो, r की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक है, पहले r को जीरो रखा तो a जीरो मिला, a जीरो रो प्लस जीरो तो रो स्क्वायर हो गया, माइनस एन स्क्वायर हो गया, x पावर रो, r जीरो रख चुके हैं। फिर r को वन रखा तो a वन मिला, a वन मिलने के बाद रो प्लस वन का होल स्क्वायर हुआ, माइनस एन हुआ, एक्स पावर रो प्लस वन हो गया। और आगे अब कोई कहेगा कि सर आर को जीरो रख दिया, वन रख दिया, टू रखिए, थ्री रखिए, फोर रखिए, कहें बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं रहती, आगे वाले को एक साथ कंबाइंड करके रख दें। तो आप ध्यान दे रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो थर्ड स्टेप हमने लिखा है, इस स्टेप में आर जो समेशन रन कर रहा है वो टू से इन्फिनिटी लिख दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर को जीरो और आर को वन हम लिख चुके हैं, इसलिए अब आर टू से इन्फिनिटी की ओर चलेगा, ये हमने रखा। सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे बात बहुत सिंपल है, जो आप लोग समझते हैं, बोर्ड साफ करें फिर आगे की बात की जाए। क्या मिला हमें? वही जो मिला था हमने उसी को यहां पे फिर से लाने की कोशिश की, जो नहीं लिख पाए बच्चे वो लिख लें। दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बेसल इक्वेशन के सलूशन की ओर जब बढ़ रहे हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सलूशन का स्टेप। जो नहीं लिख पाए थे, पीछे छूट गया था, उनको हमने कहा लिखें। अब क्या करेंगे, जो पहली क्लास में थे और जो आज हैं उनको बता दें, एक्स की विभिन्न घातों, लिखो हिंदी में, एक्स की विभिन्न घातों के गुणांकों को शून्य के बराबर करने पर, अंग्रेजी में हमने लिख दिया इक्वेटिंग
to zero the coefficients of different powers of x we have, x के विभिन्न गुणांकों की घातों को. अगर आप ऊपर देखें तो दिख रहा है x की घात रो का गुणांक क्या है बच्चों? हाँ हाँ बिल्कुल, हाथ उठाएं. x की घात रो का गुणांक अगर आपको दिख रहा है तो वो क्या है? हाथ उड़ गया है, बिल्कुल सही है. ये है बोर्ड पे जो लिख गया, a0 रो स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको जीरो कर दिया. ये किसका गुणांक है बच्चों? x की घात रो का गुणांक, एक समीकरण. चलो अगला क्वेश्चन, x की घात रो प्लस वन का गुणांक दिख रहा है तो उसको लिखें, और नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं. हाँ लिखें लिखें, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया. रो प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए वन, आगे पीछे कहीं भी रहेगा, इक्वल टू जीरो. ये दूसरा समीकरण बना. अब तीसरा स्टेप जो है आप उसको समझ सकते हैं. एक्स की घात रो, उसका गुणांक पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, इस गुणांक को जीरो कर दीजिए. ये हमने तो कर दिया, आप करें या ना करें. ये जादू समीकरण नंबर सी जो है, ये जादू की छड़ी है सर क्या? हाँ बच्चों आप देखो बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है यार, रो प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में मैंने आपने सबने क्या लगा दिया? रो प्लस आर प्लस एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, रिजल्ट मिल गया. चलें बोर्ड साफ करें, आगे बढ़ें. अब जो समीकरण एक मिला है इसमें अगर आप इक्वेशन वन को जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसको देखेंगे तो कंडीशन लगी है कि ए जीरो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो ये मिलेगा रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रो इक्वल टू प्लस माइनस एन. ए जीरो हटा दिया क्योंकि ये जीरो हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं शुरू से ही, स्टार्ट से. ये बहुत सिंपल समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा, इक्वल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई. दूसरे समीकरण पकड़ें, दूसरे को पकड़ा जब रो प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए वन इक्वल टू जीरो. इसको पकड़ने पे आगे क्या मिला? ए वन इक्वल टू जीरो. कैसे? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जीरो नहीं होगा तो ब्रैकेट के बाहर जीरो होगा. कहें अच्छा ऐसा भी होता है सर? हाँ, पहली लाइन में ब्रैकेट के बाहर जीरो नहीं था तो ब्रैकेट जीरो हुआ, दूसरी लाइन में ब्रैकेट के अंदर जीरो नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर जीरो हुआ, तो ए वन इक्वल टू जीरो. थर्ड में जाएं, रो प्लस आर प्लस एन, रो प्लस आर माइनस एन ए आर प्लस ए आर माइनस टू इक्वल टू जीरो. ये तीसरा समीकरण है. थोड़ा ऊपर मुझे कमी दिख रही थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो शायद पहले मैंने माइनस ए आर माइनस टू के पहले माइनस लगाया, थोड़ा सा कंप्यूटर जी ने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ प्लस ही रहेगा जो ये लिखा हुआ है, प्लस ए आर माइनस टू. अगर ऊपर आपने माइनस यहाँ रखा हुआ तो उसको करेक्ट कर लें, कंप्यूटर जी कभी कभी हमें भी परेशान कर देते हैं. ए आर निकालना है, कैसे निकलेगा? ए आर माइनस टू को उस पार ले गए, माइनस के साथ गया, और जो ए आर का कोफिशियंट हो नीचे आ गया. ये तो बहुत सिंपल है, पक्षांतर जिसको कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, लेफ्ट से राइट कर दीजिए. समीकरण नंबर पाँच दिख गया, दिखने दीजिए. अब क्या करेंगे? आर की जगह इन प्लेस ऑफ आर पुट करिए 3, 5, 7, 9, जिसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं. क्यों पुट करेंगे? अभी ए वन जीरो ऊपर दिख रहा है सेकेंड लाइन में, ए वन जीरो है समीकरण पांच में. जब हम आर को थ्री रखेंगे लेफ्ट में तो राइट में ए वन आ जाएगा. इस सुविधा का फायदा उठाएंगे, वैल्यू रख दें, ए थ्री की वैल्यू आएगी. देखिए रखिए, ए थ्री इक्वल टू आर को थ्री रखा, ए जीरो रो प्लस थ्री प्लस एन, रो प्लस थ्री माइनस एन, और ए जीरो अभी ऊपर दिख रहा है आपको जीरो है, इसलिए ए थ्री जीरो होगा.
जी बच्चों, हाँ A3 0 आ गया। अब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप पाएंगे A5 निकालिए अगर आप, तो क्या आएगा? 0। A7 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। बिल्कुल, बहुत सही। A9 निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। जितने भी ऑड कोफिशियंट निकालेंगे वो सब 0 आएंगे। हमने इसलिए लिखा सॉल्विंग इन सिमिलर वे, इसी तरह हम हल करें, वी गेट A5, A7, A9 एंड सो ऑन 0। इनको हम कहेंगे ऑल ऑड कोफिशियंट्स, सभी विषम गुणांक 0 हो गए। हो जाने दीजिए, अब क्या बचा? विषम गुणांक तो 0 कर दिया, हाँ बिल्कुल, विषम अगर निकल गया तो बचा क्या बच्चों? सम। सम के लिए दो तरह का डिस्कशन होगा, इसको हम लिखते हैं टू केसेस एराइज। यहाँ पर सम संख्या जब हम लेके आएंगे तो दो तरह का डिस्कशन होगा। पहला डिस्कशन देखें, केस 1, व्हेन रो इक्वल टू एन, जो हमने रो लिया है और जो हमें एन दिया गया है, एन क्वेश्चन में दिया गया है, एन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेसल, बेसल के समीकरण में एन दिया गया है, रो को हमने अपने से सेलेक्ट किया है, अपने से माना है, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि बेसल का जो एन है और हमारा जो रो है दोनों बराबर हो जाए, इसको केस 1 कहते हैं, दोनों बराबर हो गए। चलिए बराबर हो गए तो क्या होगा और आगे? और आर जो है वही है, इवन नंबर क्या होता है बच्चों? 0, 2, 4, 6, 8। तो आर अब ऑड नंबर में तो ऊपर मिल चुका है, तो आर को इवन नंबर लेंगे, इवन नंबर को हम 2 के जैसा लिखते हैं भाई, किसी भी सम संख्या को 2 के लिख दिया जाता है, 2 शोज इवननेस, उसका सम बिहेवियर बताएगा। तो आर 2 के हो गया, रो, ये रो इक्वल टू एन, ये जो हमने लिखा हुआ है ये रो इक्वल टू एन एक्सीडेंटल है, इसलिए केस 1 बना, और एंड आर इक्वल टू 2 के, ये तो वेल प्लान्ड है क्योंकि हमने R इक्वल टू ऑड नंबर का डिस्कशन कर लिया है ऊपर, इसलिए यहां R इक्वल टू इवन नंबर का डिस्कशन करेंगे। क्या मिले? 5, समीकरण 5 पीछे लिखा है, आपको मिलेगा R को 2 के रख दिए तो आ गए A 2 के इक्वल टू माइनस ऑफ A 2 के माइनस 2 अपॉन 4 के इंटू के प्लस एन, ये समीकरण नंबर 6 मिल जाएगा। 5 में जब आप रखेंगे तो इक्वेशन 6 मिलेगा। नोट कर लें इसको, ये इक्वेशन आपके काफी काम आएगा तो बोर्ड साफ करें पहले। के इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख देंगे क्योंकि फिर आर की वैल्यू 2, 4, 6, 8 होती चली जाएगी। ठीक है, आगे बोर्ड साफ करें, देखें अब क्या चाह रहे हैं। वही समीकरण 6 जो बच्चे अभी नहीं लिख पाए थे उनके सामने, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 6 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको दोबारा लिखा। चलिए के को 1, 2, 3, 4 रखते चलिए, अभी तो आप खुद रख सकते हैं, समीकरण हमने लिख दिया है, के को 1 रख के बताइए हमें क्या आया, नहीं बता रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हाँ लिखिए लिखिए, के को 1 रखिए, बस पहले के को 1 रख दीजिए तो ए 2 आ जाएगा। हाँ लिख रहे हैं, जो पेन कागज लिए हो तो लिख रहे हैं, A2 आ गया, A0 आ गया, यहाँ पे K को 1 रखा तो हो जाएगा A0 4K K+N। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कंप्यूटर जी, ये सही है 1+N, कुछ समीकरण में कंप्यूटर जी ने गड़बड़ किया है, इस गड़बड़ी को हम रेक्टिफाई करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। 4K K कौन रखा? हाँ ठीक है, ओके, ये जो पार्ट है ये, एक मिनट, ये पार्ट जो A0 ये गलत आ गया, A2 तो ठीक है, और जो ये लिख रहे हैं बच्चों ये सही है क्योंकि वहाँ पे देखेंगे -A0 K को 1 रखा 4 आ गया, 4 को हमने 2² कह दिया, अब K को 1 रख दिया, N को N रख दिया, तो ये थोड़ा सा इरर हो गई है कहीं पे, देख लेंगे उसको, मिल जाएगा शायद 2 को अंदर कर दिया है तो 2 बाहर आएगा तो वही दे देगा, दोनों सेम है लेकिन हमारे इक्वेशन 6 से
ये स्टेप आ रहा है, ये स्टेप डायरेक्ट आ रहा है, जो ब्लिकिंग हो रही है ब्लिंकिंग, ये इक्वेशन 6 से डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए आप जो इसके पहले लिखा गया है उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर ना करें, कहीं कुछ ओवरलैपिंग हो गई। चलिए ए फोर की बात देखिए, अब देखिए फोर आ गया, के को टू रखेंगे तो माइनस ए टू ऊपर आ जाएगा, फोर इंटू टू, के की जगह टू हो गया और के की जगह टू हो गया, एन हो गया टू प्लस एन, इसको और सॉल्व किया, ए टू की वैल्यू ऊपर आप निकाल चुके हैं, ए टू वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसको रख दीजिए, जब रख दिया तो आपको ये मिल गया, फोर फोर ऊपर भी फोर नीचे भी फोर स्क्वायर हो गया और ए फोर मिल गया आप। चलिए ए टू आर, वही के को आर रख दिया तो ये मिल गया जो पहले से मिला हुआ है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए अभी आया फोर स्क्वायर टू एंड सो ऑन, ये हो जाएगा वन प्लस एन, टू प्लस एन, थ्री प्लस एन, फोर प्लस एन, उसी को लिख दिया आर प्लस एन, ए टू आर की वैल्यू ये निकाली। इसको थोड़ा जब आप इतिमान से लिखेंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा, इक्वेशन सिक्स इज इंपॉर्टेंट, उसमें आपको वैल्यू रखते जाना है, आर को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी रखें। थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा स्पीड भी होनी चाहिए आपकी लिखने की, और हम स्पीड में नहीं चल सकते क्योंकि हमें, हमारा एम है कि हम आपको समझा पाएं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर स्पीड का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास स्पीड होनी चाहिए। पुट इन दी वैल्यूज इन इक्वेशन टू, हमने स्टार्टिंग में शुरू में ही समीकरण एक दो तीन चार पाँच छः ढेर सारे समीकरण लिखते जा रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज आई हैं इक्वेशन सिक्स से, इक्वेशन फाइव से, जो भी हम सॉल्व किए हैं उनको हम इक्वेशन टू में रखेंगे। वी विल पुट वैल्यूज अप टू हियर, यहाँ तक जितने भी मान हमने निकाले हैं उनको रखें, कहाँ रखें, इक्वेशन टू में। इक्वेशन टू ये है, हमने कुछ बच्चे कहेंगे सर इक्वेशन टू क्या है, हम बता देते हैं, ये है इक्वेशन टू बच्चों। इस इक्वेशन टू में आपसे हम कह रहे हैं कि आप जो अभी तक वैल्यू निकाले हैं, किसकी वैल्यू निकाले हैं, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट और रो, इन सबको रखें, एक सोल्यूशन मिला वाई वन एक्स, इसका नाम दे दे, पहला सोल्यूशन को तो वाई वन कह दिया, ऐसे घबराइएगा नहीं, वाई एक्स भी कह सकते हैं, वन सोल्यूशन को हम वाई वन कह दे, पहला मिला ए जीरो एक्स पावर एन, रो अब आपका एन हो चुका है, रो को हमने एन से शिफ्ट कर दिया, पहली केस हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमने कहा था कि रो इक्वल टू एन, तो रो को रख दिया तो ए जीरो एक्स पावर एन बाहर हो गया, इसके अंदर जो आया ये जाला मकाला दिख रहा है आपको, आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यहां तक रन करा दीजिए, इसको नोट कर लें, आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, जीरो को अलग कर रखा है क्योंकि इससे वन मिल रहा है और ए जीरो एक्स पावर एन, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इक्वेशन ए जो दिख रहा है एक हल समीकरण एक का, एक हल वाई वन इक्वेशन ए से दिया गया है। लिख लिया बच्चों ने, चलिए लिख लिया तो हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, नहीं लिख पाए वापस चलें, चलो देख लो, लिख लो लिख लो, कहीं से हाथ उठा के नहीं लिख पाए सर, तो लिख लीजिए इक्वेशन ए लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ नहीं, फोर पावर आर फैक्टोरियल आर, वन प्लस एन, टू प्लस एन, आर प्लस एन, ऊपर माइनस वन पावर आर, एक्स पावर टू आर, ये बहुत सिंपल सा है, एक बार आप ट्रैक पकड़ लें। चलिए ट्रैक पकड़ लिया है तो हम बोर्ड साफ करके आगे बढ़ें, टेकिंग दिस पालेज एक्सपोनेंट रो इक्वल टू माइनस एन। दूसरा केस, पहले केस में रो इक्वल टू एन, ये दूसरा केस है रो इक्वल टू माइनस एन, पहले था आपका रो इक्वल टू प्लस माइनस वन, साल गया तो माइनस एन ले लीजिए, अनदर सोल्यूशन मिलेगा, दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा, बस रो को माइनस एन से रिप्लेस करना है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, वाई टू इसको कह दिया, y2 टू इक्वल टू ए जीरो एक्स पावर माइनस एन, बाद बाकी b में ब्रैकेट के अंदर जहां जहां n था वहां वहां माइनस एन लिख दिया गया, 1 माइनस एन, 2 माइनस एन, 3 माइनस एन, r माइनस एन, ये हमने दूसरा डिस्कशन भी आपके सामने रख दिया, इसको b इक्वेशन या b समीकरण कहा जाता, नोट कर लें, ये जो हम ब्लिंकिंग दे रहा है ये नोट करना जरूरी है क्योंकि दूसरा हल है,
जहां पे रो को माइनस एन लिया गया। अगर आप शुरू में देखेंगे तो रो की वैल्यू प्लस एन और माइनस एन दो थी, प्लस एन पे काम कर चुके हैं, माइनस एन पे काम हुआ। अब देखिए हमारी एक आदत होती है कि ए जीरो यहां पे दिख रहा है आपके, हमारी बोर्ड पे है, आपके भी बोर्ड पे दिखना चाहिए आपकी कॉपी में ए जीरो। तो बिसल महोदय ने कहा कि ए जीरो एक कांस्टेंट है, इसकी ऐसी वैल्यू ली जाए, सुटेबल वैल्यू, सुविधाजनक मान रखें, जिससे हमारा जो इक्वेशन बी है और इक्वेशन ए है, ये दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशन y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू अभी काफी बड़ी और एक्सपेंडेड समेशन क्या क्या दिख रहा है, इस एक्सपेंशन, इस समेशन को छोटा करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल होगा a0 का। उन्होंने कहा a0 को हम ऐसा सिलेक्ट करें, जो लिखा है कन्वेंशनली आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट चूजन है, मतलब जो a0 है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करें, a0 को ऐसा लें माने, इसको हम नहीं मान रहे हैं, इसको पहले से ही लोग मान चुके हैं, ये a0 का मान आप भी माने। क्यों माने सर, हम a0 को कुछ और कह दें, आप कह सकते हैं, आप फ्री हैं, वो थ्योरी आपकी होगी। बेसल ने कहा a0 को इतना मान लीजिए, तो हमने भी मान लिया। मान लेने पर आगे कहानी बढ़ेगी, बोर्ड आगे बढ़े, बोर्ड साफ करें, कहानी आगे बढ़ी। इन व्यू ऑफ इक्वेशन एबव, जब हम a0 का मान रख देंगे तो वन ऑफ दी सोल्यूशन वन इज, जो y1 आपने निकाला हुआ है, जो y1 हमने बोर्ड पे लिखा है, जो y1x आपकी कॉपी में लिखा है, वो a0 की वैल्यू रखने पर इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। यहां क्या किया गया है, a0 की वैल्यू रख दी गई, x पावर रो था उसको अंदर कर दिया, और रो की वैल्यू n है तो एक हो गया। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कहेंगे इस तरह से बन गया। ये देखिए yn को jnx कह दिया, कब कहेंगे jnx, जब हम y1 में a0 की वैल्यू 1 अपान 2 पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 रखेंगे, तब हम y1 का नाम बदल देंगे, उसको jn कह देंगे, और ये सिंप्लीफाई होके बोर्ड पे ये जो लाइन दिख रही है ये इसका सिंप्लीफाई रूप है, ब्लिंकिंग हम कर रहे हैं, ये ब्लिंकिंग जो है इसका सिंप्लीफाई रूप बता रही है, आप इसको नोट करें। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, फैक्टोरियल n प्लस r जो है उसको गामा n प्लस r प्लस 1, गामा और फैक्टोरियल का एक रिलेशन होता है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, नीचे जा रहा है बीसीआर में, लेकिन ये जरूरी, जो हम ये बता रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ है जरूरी है, ये समझाने के लिए कि आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें, आर की वैल्यू वही रहेगी, जीरो वन टू थ्री फोर रख देंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिस फैक्ट को हम बोर्ड से आगे बढ़ाएं आपको तो देखिए क्या आएगा, भूल गए आप, ये मैंने जे एन की वैल्यू निकाली हुई है, गामा इसको आर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर, ये जो जे एन है इस जेएन को इस तरह लिख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। ऊपर में गामा लगाया गया है, नीचे में फैक्टोरियल की बात हो रही है, गामा फैक्टोरियल रिलेशन भी यही होता, ये रिलेशन आप समझ जाएंगे। दिस सोल्यूशन इसका नाम आएगा, इस सोल्यूशन को किसने दिया था, बेसल फंक्शन। देखिए इक्वेशन क्या था, बेसल इक्वेशन, सोल्यूशन आया उसका नाम हो गया, क्या नाम हुआ, बेसल फंक्शन, आप फर्स्ट काइंड, पहले प्रकार का बेसल फंक्शन, ऑर्डर एन का बेसल फंक्शन है। तो जो जे एन आपके बोर्ड में या आपकी कॉपी में जो जे एन लिखा हुआ है उसको एक बार मैं पढ़ के बताता हूं, जे एन एक्स इक्वल टू समेशन रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर एक्स अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस आर, इसको हम बेसल फंक्शन कहेंगे। बेसल इक्वेशन से कहानी शुरू हुई, बेसल फंक्शन पे कहानी आके रुकी, यही हमें आपको बताना था। यह फंक्शन या वह इक्वेशन, इक्वेशन वन या जो बोर्ड पे लिखा गया है फंक्शन दिस, ये कहाँ का हेल्प करेगा,
आपको इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है। वेव प्रोपोगेशन जो हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारी बात आप तक पहुंच रही है, उसमें इस फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। कि आगे का काम जब हम आप कभी रिसर्च में घुसेंगे तो इस पे डिस्कशन होगा कि कैसे बेसल फंक्शन हेल्प कर रहा है। अभी आप केवल इतना जाने, चलिए जान चुके हैं तो हम बोर्ड साफ करते हैं, थोड़ा आपको आगे ले चलते हैं। अनदर सोल्यूशन, इक्वेशन वन का सोल्यूशन दूसरा भी होगा, उसको डिनोट करेंगे क्या होगा। आप यहां पे देखें रो की जगह माइनस एन आ जाएगा, यहां एन आया था यहां माइनस एन आ जाएगा, तो वही जे माइनस एन। दूसरा केस रो को माइनस एन ले लिया, तो जहां जहां एन था सब जगह माइनस एन हमें बोर्ड पे दिखने लगा, आपको भी दिखना चाहिए, दिख रहा है, सब जगह रिप्लेस कर दें। रिप्लेसमेंट करके इस तरह से बन जाएगा, जो पहले लिखा था उसमें एन की जगह सब जगह माइनस करते चले जाइए, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, उसी में मत कर देना बच्चों, अलग से लिख लेना। आलसी लोग कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे आलसी, अरे तो एन तो फालतू लिखा, मैंने माइनस एन लिखना था, ऐसा मत करना, इसको अलग लिखना, उसको अलग लिखना। दो सोल्यूशन है, आर की वैल्यू 0-2। चलिए आगे बढ़े, नशा नहीं लिख पाए, हाथ उठा देते हैं बच्चे, ठीक है हाथ उठा देते तो हम भी समझ जाते हैं, हमारे पास आगे पीछे बोर्ड साफ करने के बाद कंप्यूटर जी इतनी सुविधा दिए हुए हैं कि बोर्ड साफ कर दिया फिर भी वो लिख देते हैं, जब आप चाहेंगे तो फिर से लिख जाएगा। कुछ नहीं करना था, जो जे एन में एन जहां जहां था वहां वहां माइनस एन लिख दीजिए। अब क्या होगा, वही जे एन को माइनस एन के साथ में लिखा, देखिए पहला एक्सप्रेशन गामा के साथ, दूसरा एक्सप्रेशन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होगा, सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। पहला सोल्यूशन को बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन कहा गया, दूसरे सोल्यूशन को सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन कहा गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज में आ जाए, नोट कर लें, पहले प्रॉपर्टी हम बताएं उसके पहले नोट कर लें, इन पांच प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आपके मेन एग्जाम में जरूर आएगी। लिख लें 2014, अभी दिसंबर में एग्जाम होगा या नवंबर में एग्जाम होगा या जनवरी में होगा, लेट वाले जनवरी में करेंगे, ये जो अब बोर्ड पे आएगा, दीज आर 5 प्रॉपर्टीज, इनमें से एक प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने के लिए आएगी। प्रॉपर्टी 1, 2 इंटू जे एन डैश एक्स इक्वल टू जे ऑफ एन माइनस वन एक्स माइनस जे ऑफ एन प्लस वन एक्स। अगर आपको ध्यान हो तो जे एन डैश डिफरेंसिएशन और जे एन माइनस वन जे एन प्लस वन में एक रिलेशन बताया गया, इस रिलेशन को कुछ लोग रिकरेंस रिलेशन भी कहते हैं, तो इसका प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और साथ क्या कह सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन, ये एग्जाम में जरूर आएगा। अब आपने बता दिया, आपके टीचर ने, मैंने बताया, टीचर ने सुन भी लिया कि द्विवेदी जी ने तो बता दिया कि ये नहीं पूछेंगे तो दूसरा पूछेंगे, कहीं जाएंगे तो नहीं, आप बैठे रहे, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ये पूछ लेंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे, क्या घुमाया, 2n अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई जे एन एक्स, जे एन में 2n अपॉन x मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं इसकी वैल्यू होगी जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन एक्स, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बता दी, ये भी नहीं पूछा तो तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, जे एन डैश में x का मल्टीप्लाई किया, जे एन डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स, रिजल्ट क्या आया, x जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन जे एन एक्स। देखें एन डैश एन माइनस वन और n में एक रिलेशन बता रहा है, इस रिलेशन को हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। आगे और बता दें, जहां जहां डैश लगा है डैश को सब समझते हैं, नहीं समझते तो समझे, दैट इज व्हाट इज डैश, डैश की क्या मीनिंग हुई बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो ये प्रॉपर्टी 1 डिफरेंशियल रिकरेंस रिलेशन, प्रॉपर्टी 3 डिफरेंशियल रिकरेंस, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी लगा है तो और नाम बदल देंगे। चलिए चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नोट कर लें, बाद में जब जनवरी में हम मिलेंगे आपसे तो जरूर पूछेंगे कि हमने जो 5 प्रॉपर्टी बताई थी उसमें से कौन सी आई, आप ये मत कहना सर वो नहीं आई थी, आएगी पक्का। एक्स जे एन डैश एक्स, देखिए ऊपर नीचे का मैच करिए,
प्रॉपर्टी तीन और प्रॉपर्टी चार में आप मैचिंग खुद कर सकते हैं। मैच कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, लेफ्ट तो दोनों में सेम है, राइट थोड़ा सा बदल गया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। लेकिन आगे पीछे में ध्यान रखना, ऊपर में n माइनस वन और n है, नीचे में n माइनस वन और n प्लस वन है, इसलिए बदलना मत माना। प्रॉपर्टी पांच, दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन सीधे कर दिया गया है x पावर n जी एन एक्स का, डिफरेंशिएशन करेंगे x पावर n जी एन माइनस वन एक्स आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। दीज फाइव आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको कुछ लोग रिकरेंस रिलेशन कहते हैं बेसल फंक्शन का, कुछ लोग रिकरेंस प्रॉपर्टी कहते हैं बेसल फंक्शन का। आप जो भी कहना चाहें सो कहें, इसको समझें, जानें और हमें बोर्ड को साफ करने की अनुमति दें। बच्चों, बोर्ड साफ जैसे किया और कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिखेगा, ये लो। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई। अब आप सभी बच्चों को, सभी श्रोताओं को, सभी साथियों को, सभी सभासदों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहें, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछें। मैं आपके संदेह को, आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आइडिया शेयरिंग की बात है, विचारों का आदान प्रदान है। ऐसा मत समझिए कि हम यहाँ बैठे हैं तो सब सही सही चल रहा है, आप भी यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन विचार तो आप भेज ही सकते हैं, विचार तो बिना मेहनत के आ जाएंगे। भेजिए विचार, कहाँ से आया? बड़वाह खरगोन से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बड़वाह खरगोन, सर सब समझ में आ गया, ये तो बच्चियां बैठी हैं आगे, पूरी बच्चियां दिख रही हैं, एक दो तीन, या गिनती गिनते जाओ। बड़वाह में लड़कियों की पढ़ाई मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछने में नहीं है, होना चाहिए। अरे बच्चे जो पीछे छिप करके बैठे हैं, बेटा आप भी दिख रहे हो, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पूछने की आदत डालो। आपकी कॉपी दिख रही है, आपने अच्छा लिखा है, बढ़िया नोट किया है, और क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हम ऐसे देखो बोर्ड पे सब घुमाएंगे आपको। क्वेश्चन पूछना आपकी मजबूरी है, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हम आपको इसे घुमाते रहेंगे, एनी क्वेश्चन। हाँ चलिए, यहां से आ रहे हैं, पन्ना से आ रहा है क्वेश्चन, दिख गई बोर्ड। हाँ पन्ना को ऑन कर दें थोड़ा, पन्ना माइक को एकदम पास लाओ बेटा, एकदम मुंह के पास, आवाज थोड़ी तेज होनी चाहिए। माइक को एकदम पास करो बेटा, माइक अभी दूर है आपका। हाँ माइक को पास करो, अब बोलो। बच्ची आप कुर्सी पे बैठ के पूछ रहे हो यार, टीचर से बैठ के नहीं पूछा जाता, खड़े हो पहले टीवी के पास तब पूछिए, टीचर से बैठ के बात। हाँ नमस्ते सर, बिटिया मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपका माइक की बैटरी कमजोर है। अपने सर को बताएं कि उसकी बैटरी चार्ज कर रखें, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन ध्यान रखें हम अगली बार फिर मिलेंगे, बात करें, सुने जब भी बात करें तो। हेलो जी, हाँ आइए। जो भी आपने फॉर्मूले बताए हैं उसकी प्रूफ एग्जाम में आते हैं मेरे बच्चे? अब किसी, देखिए आप भी ऐसे बिल्कुल सही, आपको क्वेश्चन में समझ गया, ये पन्ना से क्वेश्चन है कि जो आपने इतनी लंबी कहानी बताई है, ढेर सारा लिखवाया है, क्या वो भी एग्जाम में आता है? तो बच्चों ये पेपर सेटर पे और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या समझिए। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक लाइन का आंसर तो होगा नहीं, फिर तो होगा 15 लाइन का आंसर कम से कम लिखना पड़ेगा, या 20 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा। एकल प्रश्न पत्र प्रणाली में पेपर के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, इसलिए बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्होंने सिंपल लिख दिया कि बेसल फंक्शन क्या है इसको बताइए, और आपने बता दिया कि WW बेसल ने एक फंक्शन बताया था, उसी को बेसल फंक्शन कहते हैं, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अब आपको 15 नंबर में से 15 नंबर चाहिए तो पूरी राम कहानी
जो इंट्रोडक्शन से शुरू होकर के प्रॉपर्टी तक गई है, प्रॉपर्टी नहीं भी लिखेंगे तो बेसल फंक्शन आपको 4, 5, 10 लाइन लिख करके बताएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ये पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कितना टाइम दिया गया है और कितने नंबर का है, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू बच्ची, आपने पूछा। सागर से कुछ बच्चा पूछना चाह रहा है, माइक पास में ले आओ बेटा। भगवान सिंह शायद बोल रहा है। हाँ भगवान बोलो। सर ये कहना चाह रहा है कि जब हम y इक्वल टू समीकरण r इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी जब लिमिट लगाते हैं और जब y का हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो r इक्वल टू 1 रखते हैं सर? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही। अब समझो बच्चे का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, भगवान सिंह जी सागर से पूछ रहे, पहले क्वेश्चन सब लोग सुने कि जब हम वाई का समेशन जीरो से इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं तो वाई डैश में जीरो तो गायब हो जाना चाहिए, वन से शुरू होना चाहिए। बच्चे लिखने का तरीका, हम जीरो से इन्फिनिटी समेशन रखते हैं, जब आप वाई डैश निकालोगे और आर को जीरो रखोगे तो अपने आप वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम वाई डैश में और वाई में और वाई डबल डैश में तीनों जगह, तीनों पॉइंट पर हम हमेशा जीरो से इन्फिनिटी रन कराते हैं अपना समेशन। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जब हम आर को जीरो रखेंगे वाई में तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, फिर उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो होता चला जाएगा। वो जीरो आगे जब आप एक्सपेंशन, जब उसका फैलाव करोगे, विस्तार करोगे तो जीरो दे देगा। सुविधा के लिए बच्चों को समझ में आएगी, बहुत ईजी है यार, वो तो टेढ़ा वाला जो साइन है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला, वो साइन तो हमें लिख देना है और जीरो से इन्फिनिटी लिख देना है। नहीं बच्चे क्या करेंगे, एक जगह 1 to infinity, कहीं 2 to infinity, कहीं 5 to infinity लिखेंगे, क्योंकि हर बार समेशन का साइन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप जीरो से समेशन रन करोगे तो वाई डबल डैश में पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों जीरो हो जाएगा, अगर हमारे पास एक्स की पावर 0, x की पावर 1, x पावर 2 का डिफरेंशिएशन है तो। अगर डिफरेंशिएशन दूसरा होगा तो 0 नहीं होगा। शायद आपको मैंने समझा पाया, अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना क्वेश्चन हमारे पास ला सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए और कहां से आ रहे हैं बच्चे, खरगोन वाले माइक उठा करके खड़े हैं, पता नहीं कुछ पूछना चाह रहे हैं। दमोह पथरिया, अरे पथरिया के बच्चों, आप लोग जो भागवत कथा सुनी, कहां से बच्चा आया? सागर वाले बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो द्विवेदी सर को जानते हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं भी आपको जानता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों कि हमारे परिचित बच्चे हमसे टीवी पर बात कर रहे हैं। पन्ना के बच्चे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, एमएससी के बच्चे तो उस दिन बहुत क्वेश्चन पूछे, आज बीएससी वाले सब लड़कियां हैं, सो रही हैं, किसी स्ट्रेस में सो रहे हैं। एक सही जी है प्रॉपर्टी के बारे में लगा है कि एग्जाम्पल में आएंगे प्रॉपर्टी आपके बताने के अनुसार, हमको ठीक लगी है। जी पथरिया से जिस भी बच्चे ने कहा उसके लिए धन्यवाद, आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए क्योंकि आपका अधिकार है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो किस काम का है। पहली पढ़ाई आपके एग्जाम के काम की है, दूसरी पढ़ाई आपके नॉलेज के काम की है, और आप आए इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, मेरा तो काम है बच्चों। हां चलो बहुत बढ़िया, पथरिया ने सुनील सिंह है जी जी, ओके सिंह साहब धन्यवाद। कहां से आ रहे हैं अब दूसरे, मंदसौर वाले बच्चे तो बहुत दिख रहे हैं, हजारों की संख्या में पूरी क्लास भरी है, सर लोग भी खड़े हैं मंदसौर। अरे कुछ पूछो मेरे प्यारे बच्चों, पूछने की आदत डालो मेरे बच्चों। सर अभी शर्म लग रही है, हम लोग शर्माते हैं, शर्माओ मत, कुछ भी पूछो, चलो पूछ लो। द्विवेदी सर आपका नाम क्या है, पूछ लो पूछ लो, नहीं पूछोगे तो हम घुमाते रहेंगे। एनी क्वेश्चन? भैया हमारे ऑपरेटर साहब आ गए हैं कि सर आपको 3 मिनट और दिया है, जिसको जितना घुमाना घुमाइए, 3 मिनट बाद आपके ये हम कहानी को बंद करने जा रहे हैं। मंदसौर से कुछ क्वेश्चन, हरदा में मैडम जो है, हरदा की मैथमेटिक्स की मैडम है ये टिमरनी, अच्छा अच्छा सॉरी टिमरनी हरदा, हरदा मैं वही सोच रहा था कि मैथमेटिक्स के टीचर को मैं कहूँ भाई आप बच्चों को क्वेश्चन दिया करिए, कुछ पूछे, लेकिन टिमरनी वाले बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ टिमरनी के लिए, पूछें कि सर आपका नाम क्या है,
या दूसरा पूछे कि सर जो मैं माइक लेके खड़ा हो गया हूं, मेरा नाम बताइए आप, मुझे नहीं पता है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपका नाम बता दूंगा। जब आप पूछेंगे बताएंगे तब आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। तो इसलिए मैं हर बच्चे से कहता हूं, मेरा बस चले तो 30 मिनट की क्लास, 30 मिनट का पूछना, डिस्कशन। डिस्कशन आपके नॉलेज को परफेक्ट बनाता है। लिख लो हिंदी में अंग्रेजी में, पढ़ाई लिखाई से ज्ञान मिलता है, पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लिखने से ज्ञान सही सही है इसका पता चलता है। पढ़ने से केवल ज्ञान मिल जाएगा, सूचना मिल गई, लिखने से सही ज्ञान है इसका पता चलेगा। और जब डिस्कशन करोगे आप, वाद विवाद जिसको कहते हैं, तो वहां से आपके ज्ञान को परफेक्शन मिलता है, परफेक्ट होता है कि जो जानकारी आपके पास है वो पक्की है। भारत का राष्ट्रपति पढ़ लिया भूल गए, लिख लिया याद हुआ, अब डिस्कशन करोगे मैं बताऊंगा अरे बच्चे ये तो पुराना लिखा है तुमने, अब भारत के राष्ट्रपति बदल चुके हैं, तो डिस्कशन में वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप लिख दोगे कि पुराने 5 साल पहले आपने लिखा था कि 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनते थे। इसलिए मेरा आपसे केवल इतना कहना है बच्चों, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, कि आप, हम एक बार ये कह सकते हैं कि आप मत लिखो, मुझे सुनो, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछना होगा। You have to ask at least 5 questions. 5 questions पूछिए, मैं भी खुश हो जाऊंगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछना आपके ज्ञान की परिपक्वता बताता है और आपके ज्ञान को परफेक्ट करता है। सागर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सागर वाले तो पूछते ही रहेंगे, चलो उन्हीं से बात करते हैं, आ जाओ। आपकी क्लास कब होगी सर? हाँ, हमारी क्लास होती रहेगी, आप लोग सुनते रहें। और ये सब लोग खरगोन वाले भी, बड़वाह वाले भी कुछ सोच रहे हैं, हम मिलते रहेंगे आपसे, हमेशा मिलते रहेंगे। और यही नहीं, जब जहां चाहोगे जैसे चाहोगे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, हम धन्यवाद की कहानी आगे बढ़ाएं, धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तो ये हमने आपको धन्यवाद दिया, जिसको थैंक यू कहते हैं, फिर से ले लीजिए थैंक यू, फिर से ले लीजिए थैंक यू, कई बार थैंक यू लीजिए। आपने 1 घंटे हमें दिया है तो कम से कम आपका ये तो अधिकार बनता है थैंक यू लेने का। ठीक है बच्चों, अब आप सीट छोड़ेंगे तब ना माना जाएगा थैंक यू एक्सेप्ट किया, बैठे हैं आराम से, अब घर जाओ बच्चों। थैंक यू हो गया।